आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं 11 बजे तक की टोटल वोटिंग परसेंटेज, कितने जिलों में कितना परसेंट वोटिंग हुआ है। अभी तक कुल 21.18% उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है तीसरे चरण के लिए। कानपुर नगर में 16.27%, तो महोबा में 24%, हमीरपुर में 24%, ललितपुर में 26%, झांसी में 19.11%। 11 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। को बता दें कि कुल 21.18% कुल वोटिंग तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तीसरे चरण में कानपुर नगर में 16.27% वोटिंग हो चुका है। कानपुर देहात में भी वही, महोबा में 24%, हमीरपुर में 24%, ललितपुर में 26%, झांसी में 19.11% वोटिंग हो चुका है। फर्रुखाबाद में 26%, कासगंज में 22.54%, वही जलौन में 24% समथिंग, औरैया में 18.5%, मानपुरी में 24.45% वोटिंग हो चुका है। हम आपको 11 बजे तक की कुल वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वहीं 11 बजे तक टोटल 21.18% वोटिंग हो चुकी है तीसरे चरण के चुनाव के लिए। आपको बता दें हाथरस में 22.67% वोटिंग हो चुकी है, मैनपुरी में 24.45% वोटिंग, औरैया में 18.5% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। मतदाता काफी जोश के साथ मतदान केंद्रों पर आ रहे, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कुल 21.18% वोटिंग 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए हो चुकी है। को बता दे 16 जिले की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। महोबा में 24% वोटिंग हो चुकी है, हमीरपुर में 24% वोटिंग हो चुकी है, तो वही ललितपुर में 26% वोटिंग हो चुकी है। को बता दे कुल 21.18% तीसरे चरण के लिए कुल अभी तक उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण का चुनाव जारी है, तो वही कई राजनीतिक दिग्गज, 26 राजनीतिक दिग्गज चुनावी मैदान में है, जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना यह है कि कितने परसेंट जाता है पाले में, किसके जाता है, जनता किसको अपना चुनती है। वहीं इस खबर पर आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान खास माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में राजनीतिक दलों की दिशा और दशा तय होगी। इस चरण में जहां एक तरफ करहल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में है, तो भाजपा से एसपी सिंह बघेल भी करहल से टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है, और अभी तक कुल वोटिंग परसेंट उत्तर प्रदेश में 21.18% आ चुका। और इस पे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्राइम टीवी में। शशिकांत जी, सबसे पहला सवाल मैं आपको 2014 में ले चलूंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तब भी विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर सवालिया निशान खड़ा किया था, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ईवीएम का जहां तक प्रश्न है, आपको मालूम है कि ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब कोई भी पार्टी चुनाव में हारती है तो वो हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम के ऊपर फोड़ती है। लेकिन सुखद बात यह है कि अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, हम चुनाव के तीसरे चरण में हैं और आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है जी। और आरोप लगे हैं, लेकिन वो आरोप जो है वो कुछ कहीं पॉकेट्स में और कहीं बड़े और व्यापक पैमाने पर ईपीएम को लेकर के कोई इस तरह के आरोप नहीं है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ईवीएम एक कोई आधार नहीं बनेगा और पार्टियां जो है इस ईवीएम को कम से कम मुद्दा नहीं बनाएंगी। ईवीएम एक टेक्निक है, मशीन है, और उसमें कोशिश रही है, निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि लगभग उसमें कोई भी जो खामियां है उसको दूर कर लिया जाए। यह अलग बात है कि कभी उसमें कुछ कमियां आई रही हैं, कभी कुछ दोष मशीनों के रहे हैं, लेकिन ये कहना कि कोई सत्ता पक्ष जो है उसको मिसयूज करके और अपने पक्ष में मतदान करा लेता है, अगर ऐसा होता तो फिर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई होती। लेकिन
इसलिए हार और जीत का ठीकरा जो है शायद ईवीएम पर फोड़ना जो है वह उचित नहीं हो। शशिकांत जी, मतदान के वक्त अभी कानपुर से एक फोटो खींचकर वायरल किया गया है। प्रमिला पांडे ने खुद ये फोटो वायरल किया, वह एक प्रतिष्ठित सीट पर बैठी है। ऐसे में आम जनमानस में क्या संदेश जाता है उनके इस कृत्य से? आपका आशय है, क्योंकि मैंने वह वीडियो नहीं देखा जी, आपका आशय है कि क्या वह ईवीएम के मिसयूज की वो फोटो है या कुछ अन्य? जी, वो ईवीएम पे जब वोट डालने गई, उन्होंने वोट डालते वक्त फोटो खींची और उस फोटो को उन्होंने पोस्ट कर दिया, जिसपे प्रशासन ने भी अब कार्रवाई करने की बात कही है। सबसे बड़ा जी निश्चित रूप से यह एक गंभीर विषय है और उसकी एक चुनाव की जो है गोपनीयता होती है, उसकी मर्यादा होती है, और ऐसे में अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग सक्षम है उसका उस पर संज्ञान लेने के लिए और उस पर कार्यवाही करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो है उसका संज्ञान लेगा और यह कतई जो है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव की जो गोपनीयता है, जो चुनाव की जो मर्यादा है, उसको कोई भी, वह किसी भी सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको उस मर्यादा का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा। जी शशिकांत जी, 2022 विधानसभा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बात अगर दो महत्वपूर्ण सीट की करें, गोरखपुर की एक करहल की, तो दोनों ये एक हॉट सीट बना हुआ था। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि वो लड़ेंगे गोरखपुर सीट से चुनाव, तो उनपे अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जी अपने शहर वापस लौट गए। वहीं जब करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जमकर निशाना साधा था और ये कहा था कि सेफ सीट पर अखिलेश यादव गए हैं। इस पे क्या कुछ राय है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव की तस्वीर उभर करके सामने आ रही है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री भी हैं, एक बड़ा चेहरा के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं जी, और यह मतदान जो है उनकी सरकार की 5 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो उन्हें चुनौती पेश कर रहे हैं और लगभग यह एक तरह से स्थापित हो गया है कि यह एक चुनाव जो है वह द्विध्रुवीय चुनाव बनता जा रहा है और उसमें अखिलेश जो है वो दूसरे विपक्ष की तरफ से प्रमुख चेहरे के तौर पर हमारे सामने हैं। स्वाभाविक है कि पहले अखिलेश यादव चुनाव शायद न लड़ने की के मूड में थे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो समाजवादी पार्टी की भी जो अपनी थिंक टैंक है उन्होंने भी विचार किया और बहुत सोच समझ करके उन्होंने जो है वह करहल की सुरक्षित सीट उनके लिए चुनी, क्योंकि वह एक मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत के काल में भी उस सीट पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को फील्ड करके उस वहां के वातावरण को जो है और चुनाव के जो माहौल को विशेषकर अगर हम कहें तो एक बहुत प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की कोशिश की है। और अगर आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कहा था कि हमें यहाँ पुनः आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे कार्यकर्ता ही हमारी जीत सुनिश्चित कर देंगे, और मात्र 5 दिन के अंदर ही उन्हें जो है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को वह ले करके जो है वो करहल पहुंच गए जी, शुभपाल यादव भी उनके साथ मौजूद थे जी, तो उससे यह अपने आप में एक संदेश तो है कि कहीं ना कहीं लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। और जो जिस तरह से एसपी सिंह बघेल के काफिले के ऊपर हमला हुआ उस पर भी उसको भी भारतीय जनता पार्टी जो है लाइन ऑर्डर से जोड़ करके और मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और उनकी कोशिश है कि हम जो है वो करहल में उन्हें घेरने की कोशिश करें। अभी यह वक्त ही बताएगा कि जो है वहां से कौन जीतता है। उसके तुलना में अगर हम गोरखपुर में देखें तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के समक्ष कोई उतना मजबूत चेहरा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने कोशिश की है लेकिन वह उनका क्षेत्र नहीं है, तो शायद वह कितनी मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे यह तो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन उस तरह की चुनौती का सामना योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं जिस तरह की जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक एसपी सिंह बघेल जैसे कद्दावर नेता को जो केंद्र में मंत्री हैं उसको फील्ड करके उन सपा के समक्ष। एसपी सिंह बघेल के चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री
खुद मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार कर रहे करहल में, जिस तरह से सभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी अभी अमित शाह ने अपनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से कहा कि हम 300 सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन करहल की सीट जीत कर हम बताएंगे कि हमारी सबसे बड़ी जीत है, इस वाक्य को आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ अखिलेश यादव एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी वहां चुनावी प्रचार कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल को जिताने के लिए, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और ये आंकड़ा या कितना आगे जाएगा, टक्कर कितना कड़ा होने वाला है सीट पर? देखिए, अगर हम करहल की, अगर हम जो वहाँ की जो सामाजिक समीकरणों को देखें, तो वहाँ करहल में जो यादव आबादी है वो 1,15,000 के करीब आसपास है, जो कि सबसे ज्यादा, अगर एक बिरादरी के वोट की बात करें तो यादव जो है वो मतदाता जो है वहाँ बड़ी संख्या में है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की भी भारी संख्या है। जी, 14,000 टोटल संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है करहल सीट से। जी, तो ऐसे में जो वहाँ का जो सामाजिक समीकरण देखते हैं हम, तो उस आधार पर और पीछे की जो परफॉर्मेंस है समाजवादी पार्टी की उस सीट पर, तो वो एक तरह से अगर वो एक इंडिकेटर लें तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद समाजवादी पार्टी को एज होगा। प्लस अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव होता है और कई बार बहुत बड़े बड़े महारथी भी जो है वो चुनाव हार जाते रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चाह रही है कि जो इटावा, मैनपुरी और यह जो बेल्ट है जिसमें कि समाजवादी पार्टी का एक तरह से वर्चस्व रहा है, और उस वर्चस्व को उन्हें तोड़ने में कामयाबी मिल जाएगी अगर वो अखिलेश यादव को हरा पाने में जो है वह कामयाब होते हैं। वर्चस्व की लड़ाई हो गई है करहल सीट पर। जी, शायद यह यही कारण है कि जो है वो गृह मंत्री जो है अमित शाह भी जो है वहाँ चुनावी समर में कूद पड़े हैं। इसके अलावा अन्य जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं वह भी करहल का रुख कर रहे हैं। अब यह तो 10 तारीख को ही करहल का मतदाता बताएगा कि उसका रुझान किसकी तरफ होता है, लेकिन लड़ाई निश्चित रूप से करहल में दिलचस्प हो गई है और हम यह नहीं कह सकते कि यह एक केकवॉक होगा या समाजवादी पार्टी के लिए वॉकओवर होगा। जी शशिकांत जी, हम दिग्गजों पे फिर से लौटेंगे, लेकिन इसके पहले कई जगहों से यह खबर सामने आ रही है कि दिव्यांग जनों के लिए एक जो अलग से व्यवस्था करे जाने की बात कही गई थी प्रशासन के द्वारा, तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें और खबर सामने आ रही है कि दिव्यांग जनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कही गई, वो खुद अपनी बैसाखी पे चलकर मतदान करने आ रहे। इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन लगातार ये कहते नजर आ रहा है कि दिव्यांग जन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं लोकतंत्र में, तो कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं आप इसमें प्रशासन की? देखिए, यह लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, और यह निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वो सभी की जो है उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि लोकतंत्र केवल अमीरों के लिए नहीं है। लोकतंत्र जो है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए भी वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है, और उस कड़ी में जितने भी समाज के वंचित वर्ग हैं उसको पोलिंग बूथ तक पहुंचाना और विशेषकर दिव्यांग जनों को तो यह दायित्व हो जाता है कि जब यह एक कोड ऑफ कंडक्ट में है कि ये सारी चीजें उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी, वहां रैंप होगा, उन्हें उनको आसानी से पहुंचने में मदद की जाएगी, तो ऐसे में यह जरूरी है बन जाता है कि यह जो चुनाव आयोग से संबंधित जो अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं या अन्य जो अधिकारी हैं, वह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग जन, अशक्त, वृद्ध जो भी व्यक्ति है, जो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है, वह आसानी से वह पोलिंग बूथ पर पहुंचे और आराम से अपना जो है वो मतदान करे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो किन्ही भी कारणों से, तो यह निश्चित रूप से एक चुनाव आयोग के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी शशिकांत जी, इत्र की नगरी कन्नौज से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असीम अरूर चुनावी मैदान में हैं। जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी तो इन पर भी कई सवालिय निशान खड़े किए गए थे। लोगों ने यह भी कहा था कि जब ये अपने कार्यकाल में रहे होंगे तो आम जनमानस के साथ कितना न्याय संगत और तर्क संगत कार्य किए होंगे, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, यह कोई नई बात नहीं है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में कई बार ब्यूरोक्रेट्स जो है वो रिजाइन करके आते हैं। खुद लखनऊ में आप देखें तो राजेश्वर सिंह जी जो है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में थे, वह उनकी अभी लंबी नौकरी थी, उन्होंने छोड़ा और चुनावी समर में वो मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो जब कोई अपनी नौकरी में होता है तो उसे अपेक्षा की जाती है कि उसकी प्रतिबद्धता जो है अपनी नौकरी के प्रति होगी,
और जब कोई दूसरे रूप में है तो सभी को लोकतंत्र में यह अवसर लोकतंत्र प्रदान करता है। हालांकि एक समय में आप दो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक है कि उन्हें एक पद से इस्तीफा देना होगा। इन लोगों ने रिजाइन किया है और असीम अरुण को कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी ने, उनका भी अभी एक लंबा करियर था अपने सर्विस में, और उनको फील्ड करना, और यह भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रेटजी है। वो जाटव समाज से आते हैं और अभी यंग हैं, अपने समाज के नायक हैं। तो एक तरफ से जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बेबी रानी मौर्य के पद को आगे बढ़ाया, उन्हें राज्यपाल बनाया, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया और अभी चुनाव में भी उन्हें खड़ा किया है। और दूसरा जो है, जो बहुजन समाज पार्टी का यह कोर वोटर रहा है जाटव वोटर, उस पर उसको अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने असीम अरुण को जो है अपनी पार्टी में शामिल किया है। और कन्नौज का इलाका भी आप जानते हैं कि वहां से भी समाजवादी पार्टी के पहले सांसद रहे हैं, तो उस क्षेत्र में डेंट करने के लिए वो एक नए चेहरे के तौर पर असीम अरुण को लाए हैं सामने। इससे उनके दो पर्पज सर्व होते हैं, एक तो वो जाटव समाज में पार्टी भारतीय जनता पार्टी पैठ बनाने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी को उस क्षेत्र में जो है वह हराने की कोशिश करेगी। जी शशिकांत जी, अवध पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में मतदान है, टोटल 5। अगर बात पश्चिमी यूपी की करें तो पश्चिमी यूपी में फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस में चुनाव है। क्या कुछ अहम मुद्दे यहाँ से निकल करके सामने आ रहे हैं, मतलब क्या कुछ मुद्दे अहम हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हाथरस में भी लगातार कई ऐसे इंसिडेंट होते आए हैं जो हॉट मुद्दे बने रहे हैं। कासगंज की बात करें तो वहां से भी, मैनपुरी से भी, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे सामने इन 5 जिलों से सामने आएंगे? देखिए, ये इलाके जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में आए, क्योंकि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 16 जिलों में जो चुनाव हो रहा है इनकी 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि 2012 में कहानी बिल्कुल अलग थी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने ये जहां भी चुनाव हो रहे हैं इसमें 37 सीटों पर उसको कामयाबी मिली थी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 8 सीटों पर रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत कम सीटों पर, मैं कहूंगा कि उसमें सीमित रह गई थी। तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है इस क्षेत्र में कोई बहुत पुरानी पकड़ नहीं है, वो उसने जो है वो हाल के वर्षों में ही यहाँ पर अपने, जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव से बढ़िया परफॉर्म करना शुरू की, तो 17 में एक बड़ी कामयाबी जो है इस पार्टी ने इस क्षेत्र में पाई थी। अब वो कितना जो है वो जो विक्ट्री जो उसकी है उसको आगे वो ले जा पाती है, सस्टेन कर पाती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। निश्चित रूप से हाथरस में जो घटना हुई और उसको विपक्ष ने जिस तरह से लगातार जीवित रखा उस मुद्दे को कि जो कानून व्यवस्था की जो चरमराती हुई स्थिति या जो दलित लड़की का जो उत्पीड़न और उसकी हत्या हुई, उसको उन्होंने लगातार जो है उसको मुद्दा बनाए रखा है। ये मुद्दे कितना इफेक्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को वहां से, हाथरस की अगर, हाथरस से अगर बात करें तो हाथरस में कई ऐसे मुद्दे लगातार हुए जिसका जिक्र अभी आपने किया, तो ये मुद्दे इस बार 2022 की चुनाव, आज वहां पे वोटिंग है, ये मुद्दे कितना इफेक्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, निश्चित रूप से विशेषकर जो जिस समाज से वह लड़की आती थी उस समाज में एक बहुत ज्यादा एक व्याकुलता है, एक नाराजगी और एक रोष रहा है, और विपक्ष ने भी कोशिश लगातार की है कि वह मुद्दा बना रहे। हो सकता है कि उसका जो असर जो है वो कुछ इस चुनाव में दिखाई पड़े और भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपने कद्दावर नेता को फील्ड किया है जो पहले बसपा से ही चुनाव लड़ते थे, रामवीर उपाध्याय, और उनका एक बहुत बड़ा वो प्रभाव का क्षेत्र रहा है वो उस क्षेत्र में। लेकिन निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं, विशेषकर हम हाथरस और जो आसपास के जो जिले हैं और उसमें जो जो दलित समाज का जो वोटर है विशेषकर, उसमें एक नाराजगी एक रही है। वो नाराजगी किस हद तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाएगी और उसका लाभ जो है वो किसको मिलेगा, ये तो हम जो है, हो सकता है कि इस क्षेत्र में एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की भी कुछ पॉकेट में स्थिति बने जहां सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फाइट इंटेंसिफाई करे और उसमें जो है वह किसी के भी पक्ष में वह जा सकता है। शशिकांत जी, समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन जिसकी इंतजार समाजवादी जनता को बहुत पहलों से थी वो है प्रसपा पार्टी शिवपाल यादव के साथ।
शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से चुनावी मैदान में है, विवेक साक्य भारतीय जो पीठासीन पार्टी है उससे चुनावी मैदान में है। जसवंत नगर से एक सर्वे में ये कहा गया था कि वहां के युवाओं का मुद्दा रोजगार नहीं है, तो क्या कुछ मुद्दा हो सकता है जसवंत नगर की सीट से, और शिवपाल यादव के लिए उनका रास्ता कितना क्लियर दिख रहा है, और विवेक शाह के लिए कितनी कड़ी चुनौती होगी जसवंत नगर सीट से? देखिए, उस क्षेत्र में जहां पर ये चुनाव हो रहा है उसमें शाक्य आबादी भी जो है एक बहुत प्रमुख बिरादरी है और उसकी एक बड़ी जो है वो प्रेजेंस है। लेकिन जसवंत नगर की सीट भी जैसे करहल की सीट रही है उस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए का एक मजबूत किला रही है और वहां से बड़े रिकॉर्ड मतों से शिवपाल यादव जीतते रहे हैं। और ऐसे में जब उन्होंने जो है वो अपने प्रसपा के सिंबल पर नारा करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी ने जो एक आपस की जो उनका मत विभिन्नता थी और आपस की जो फूट थी और जिसने कहीं ना कहीं उनको हराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसको इस बार उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। तो उनका जो उनकी जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो मतदाता है समाजवादी पार्टी का, जो पिछली बार उसके मन में एक शंका के भाव थी, इस बार वो शंका का भाव नहीं है। यह लाभ जो है निश्चित रूप से जो आपस में जो इन्होंने एक जो अपने डिफरेंसेस थे उसको दूर करने की कोशिश की है उसका लाभ शिवपाल यादव को मिलेगा और उनकी वो एक कर्मभूमि रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शिवपाल यादव का पड़ा भारी हो सकता क्योंकि है वो उनका गढ़ कहा जाता है जसवंत नगर जी। अब जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं वोटिंग परसेंटेज की शिवकांत जी, तो अभी तक कुल 11 बजे तक 21.18% वोटिंग उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए हो चुका है। सबसे अहम सवाल ये उठता है कि वोट प्रतिशत सभी पार्टियों के लिए क्या मायने रखता है? अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है, ये आंकड़ा 21.18% 11 बजे तक का है, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर क्या कुछ आपकी राय है कि किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है? देखिए, अभी चूंकि अभी हम लोग के पास जो है 11 बजे तक का डेटा है, तो जब तक मुझे लगता है कि चुनाव कंप्लीट होगा, ये जैसे कि शुरू के दो चरणों में मतदान हुए तो ये इस बार भी जो है ये 60% के फिगर को ये पार करेगा और जो मतदाताओं का जो रुझान है, उत्साह है, वह बना हुआ है। लोकतंत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है और मतदान का बढ़ता हुआ प्रतिशत के बारे में कहीं हम एग्जैक्ट हमारे पास कहीं कोई इस तरह से क्राइटेरिया तो नहीं है कि हम ये कहें कि मतदान अगर ज्यादा होता है तो उससे जो है रूलिंग पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। कोई इसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न कुछ नहीं है कि, लेकिन अगर निश्चित रूप से इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी होती है तो उससे या दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो जो आप विपक्ष के जो सपोर्टर हैं, विपक्ष के फेवर में जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं उनका प्रयत्न होता है कि हम सत्ता पक्ष को जो है वो डिसलॉज करें और अपनी पार्टी की सरकार बनाए, और दूसरी तरफ जो दल जो है वह सत्ता में होता है वह अपने मतदाताओं को खींच करके ले जाता है पोलिंग बूथ तक और उसकी कोशिश होती है कि हम जो है जो हमारी जो पास परफॉर्मेंस है हम उसको रिपीट ही न करें, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ फायदे हैं वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ने के, जो अहम चेहरे हैं, हॉट सीट बनी हुई है, उन सब पे कौन पक्ष, क्या पक्ष, कौन भारी पड़ने वाला है। तो आपको बता दें तीसरे चरण का चुनाव 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रहा है, 627 उम्मीदवार मैदान में है। आपको बता दें कि कुल अभी तक 11 बजे तक 21.18% वोट पड़ चुके हैं तीसरे चरण के लिए। राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपना मत रखा परसेंटेज को लेकर, तमाम बातों को लेकर। हम लगातार चुनावी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।